सूरत में 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर चोट के 80 से ज्यादा निशान पाए गए। ये घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है। आपको बता दें कि सूरत के पांडेसरा स्थित साई मोहन सोसाइटी के पीछे क्रिकेट ग्राउंड में 6 अप्रैल को एक 11 साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस अभी तक बच्ची के शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है कि बच्ची कौन है। बच्ची के परिवार के बारे में भी पता करने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ रेप हत्या और पॉक्सो आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ दुष्कर्म से पूरे देश में आक्रोश है। आसिफा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। लोग आसिफा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और इसी बीच ये घटनाक्रम सामने आ गया, जिसके बाद एक बार फिर नई बहस छिड़ गई। वो 11 साल की एक लड़की थी जिसने एक पॉपटी कलर का मतलब लेगिस और टी शर्ट मतलब पहनी हुई थी और शरीर पर कुछ इजा के निशान थे और उसको मतलब ये आगे की कार्रवाई करके पीएम के लिए मतलब भेजा गया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मतलब 302 और सेक्सुअल असल्ट के हिसाब से गुना दर्ज किया गया है और वो जो है बॉडी अभी तक मतलब जो अनआइडेंटिफाइड रही है। देखिए, इस तरह की बर्बरता और दरिंदगी का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और जिस तरह से इस तरह की कहीं पर भी जो घटना हो रही है, कानून के कड़े प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। जिस जगह की भी घटना हो, जिस स्थान पे भी घटना हो, निश्चित तौर से इसको किसी भी रूप में किसी भी तरह से न ढील दी जानी चाहिए और न ही इस तरह के गुनाहगारों को किसी भी तरह से नरमी इस पे बरतने की ज़रूरत है, बल्कि कड़ाई के साथ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ, मैं अभी सूरत आई हूँ और ये बहुत दुखद हुआ है जो हुआ है और मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कि गुजरात की सरकार उस कल्प्रिट को, उस कर्मी को जल्द से जल्द पकड़ेगी और पूरी तरह से इस पर काम करेगी। अब निंदनीय भी कमज़ोर शब्द है उसके लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक पुरातन संस्कृति हो सकते हैं पर हम अभी तक सभ्य संस्कृति नहीं, और इन मामलों में अगर तुरंत एक्शन न लिया जाए जो दोषी हैं, जिन पर आरोप है, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत ये ना साफ साफ जाहिर करे कि वो दोषियों को दंडित करने के लिए तत्पर है, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे।